नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत। कक्षा द्वितीय विषय हिंदी। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी एक छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है चिड़िया। चिड़िया तो आप सभी जानते होंगे ना, देखी होगी आप सभी ने, तो उसी चिड़िया पर एक छोटी सी कविता है। चिड़िया रानी तुम हो पेड़ों की रानी, सुबह सवेरे उठ जाती हो, ना जाने क्या गाती हो, क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने को जाती हो, शाम से पहले आती हो, बच्चों का दाना लाती हो, भर भर चोंच खिलाती दाना, चू चू चहक सुनाती गाना। कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी? आप भी ये कविता याद करना। आपको पता है मैंने आज आपको चिड़िया की कविता क्यों सुनाई? क्योंकि आज की जो हमारा विषय है वर्ग पहेली, उसमें हम आज पक्षियों के बारे में जानकारी करेंगे। हमें एक वर्ग पहेली दी गई है। इस पहेली में हमें 8 पक्षियों के नाम छांटकर लिखने हैं। एक हमारे को ढूंढ कर दिया गया है, ये देखिए चील दिख रहा है आपको, ये है चील। अब ऐसे ही हमें 8 और पक्षियों के नाम इसमें से छांटकर लिखने हैं। अब जैसे पहली मुझे दिख रहा है, ये देखो बाज, क्या है ये? बाज। इसके बाद ये देखिए दूसरा चिड़िया, क्या लिखा हुआ ये? चिड़िया। इसके बाद देखिए और कौन सा दिख रहा है, ये देखिए बाज के नीचे ही तोता, और तोता के पास ये देखिए कबूतर, क्या लिखा हुआ है? कबूतर। और कोई दिख रहा है आपको? ये देखिए बतख, पानी में रहती है ना, जानते हैं आप सब, ये है बतख। और फिर बतख के नीचे ये देखिए सारस, क्या लिखा हुआ है? सारस। और सारस के पास ये देखिए हंस, क्या लिखा हुआ है? हंस। अब और कोई दिख रहा है? ये देखो बुलबुल, ये कौन सा है? बुलबुल। तो हमें हमारे 8 नाम मिल गए हैं। कौन कौन से नाम मिले देखो? चील, चिड़िया, तोता, बतख, सारस, हंस, बुलबुल, बाज और कबूतर। अब देखो मैं आपको इन सब के चित्र दिखाती हूँ। ये चील है, देखिए इसकी चोंच कितनी तीखी तीखी है। ये छोटी सी प्यारी सी हमारी चिड़िया, ये तोता, ये बतख जो पानी में रहती है, और ये सारस, देखो सारस की चोंच कितनी बड़ी सारी है चोंच, और ये सफ़ेद रंग का प्यारा सा हंस, और ये बुलबुल जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, और ये बाज, और ये कबूतर। तो हमने इस तरीके से अनेक पक्षियों के बारे में वर्ग पहेली के माध्यम से जानकारी प्राप्त करी। ऐसे ही आप दिनों के नाम, महीनों के नाम, इनकी पहेली बनाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।